हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो कि है हॉट एंड स्पाइसी चिकन। आप चिकन देख के ही समझ गए होंगे कि ये एकदम लाजवाब चिकन है। जैसा ये दिखाई दे रहा है, खाने में इससे भी कहीं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं ये बना रही हूँ और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इसके लिए लिया है मैंने एकदम फ्रेश 1.5 किलो चिकन। इसको मैंने धोकर इसको 10 मिनट तक के लिए मैंने पानी के अंदर डुबो के रख दिया है, जिससे कि थोड़ी भी गंदगी हो तो वो आउट हो जाए। और फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि हमें एकदम फ्रेश लेनी है वो चीज़। अगर बासी चीज़ होती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन और कितना ताज़ा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी में किसी चीज़ को थोड़ा डुबो देने से वो बिल्कुल ताज़ी हो जाती है। तो इसके लिए अब मैंने वेजेस लिए हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 बड़े लहसुन लिए हैं, 2 बड़े लहसुन की गांठें ली हैं और 50 ग्राम अदरक लिया है एंड 6-7 मैंने हरी मिर्च ली हैं। अगर वो लाल होने लगी हो तो और भी अच्छी बात है। और इसके साथ ही मैंने 7 ओनियन लिए यानी प्याज लिए हैं। और इसमें से इनको मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है, क्योंकि जो फ्रेशर होता है, जो पहली बार बना रहा होता है, उसको ये चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती। इसलिए मैं अच्छे से पास ला के दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके के लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको छील कर अच्छे से धो लूँगी। देखिए, मैंने छील के धो लिया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो मैंने 7 अनियन लिए थे, प्याज लिए थे, उनमें से 2 प्याज को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी, काट लूँगी। मोटा मोटा काट लिया है, देखिए कटी हुई प्याज आपको दिखाई दे रही है। और इसके बाद बाकी का बचा हुआ जो मसाला है उसको मैं चर्न कर लूँगी। ये कटी प्याज मैं नहीं डालूँगी, बाकी की मैं डाल दूँगी। 2 प्याज हमें अलग निकाल के मैंने काटी थी, वो मैंने इसमें नहीं डाली है, ये ध्यान रखना। बाकी की मैंने डाल के सारा मसाला एक साथ इसे चर्न कर लिया है। और आप भी जानते ही हैं कि मीट जो होता है उससे हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जो चिकन है वो वाइट मीट होता है और ये इसमें प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन ये नुकसान बिल्कुल नहीं करता है हमें। तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि इसको अपनी फूड का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अब देखिए, इसको मैंने चर्न करके इसका मिक्सचर बना लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं एक खड़े मसाले। इसमें मैंने लिए 2 दालचीनी और 6 मैंने लौंग ली हैं और 5-6 ही मैंने हरी इलायची ली है, छोटी इलायची भी से कहते हैं। और इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट जो होता है ये कई गुना तो टेस्ट को बढ़ा देता है और सुगंध तो ये इतनी अच्छी कर देता है ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतनी अच्छी सुगंध कैसे आने लगी। और इसके अलावा मैंने हरा धनिया लिया है जो कि मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है और इसको मैंने वाटर में ही रख दिया जिससे इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने गैस स्टोव स्टार्ट करके उसमें मैंने अपना कुकर रख दिया है और इसमें 200 ग्राम मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है जिससे इसकी गंध निकल जाए। और इसमें मैंने वाइट तिल यूज़ किए हैं और 1 चम्मच और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाला है। अब इसके बाद जो कटी प्याज थी मैंने इसमें डाल दिया है और 2 मिनट इनको चलाया है। इसके बाद मैं 2 मिनट चलाने के बाद इसमें मैं अपना जो हमने पेस्ट तैयार किया था मसाले का, ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा चलाऊंगी, इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा चलाना है मिक्स करके जिससे हमें लगे। देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, हमेशा मैं बताती हूँ। और ये जो भी आप काम करेंगे ये मीडियम फ्लेम में करेंगे आप, ना तो बहुत तेज़ रखेंगे ना ही बिल्कुल लो रखेंगे। आपकी गैस की जो फ्लेम या आग होगी वो मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। इसमें मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाली है और 1.5 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाला है और 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च आती है ना जो, वो डाली है जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच धनिया डाला है, 1/2 चम्मच मैंने पिसा जीरा डाला है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सूखा मसाला भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, जैसे हम इस मसाले को मिला रहे हैं इसी में से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और मसाले को पूरा पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। मसाला पक जाने की यही
यही मतलब पहचान होती है कि ये तेल छोड़ने लगता है, इसका मतलब ये पक गया है। तो इसको मैं सामने से अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये तेल छोड़ने लगेगा। अभी उतना नहीं छोड़ा है, थोड़े थोड़े बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर देगा। और फ्रेंड्स, आप को अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए एकदम रेड रेड सा हो गया ना, तो मसाले ने भी अपना कलर छोड़ना शुरू किया है। और देखिए हो गया, सब तरफ से तेल भी आने लगा है। तो इसमें अब मैंने डाल दिया है अपना चिकन। चिकन डालकर मैं अब चिकन को मसाले के साथ अच्छे से सॉटे कर लेंगे, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिला लीजिए, मिलाते जाएंगे। और मैं चिकन को ऐसे ही खुले हुए कुकर में ही मैं कम से कम 5-6 मिनट के लिए चलाते हुए इसे पकाऊंगी, जिससे कि ना ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा और इसका पानी जो चिकन का होता है ना वो भी निकल जाएगा, इसमें चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, जिससे एक अंदाज़ा भी हमें आ जाता है। तो इसी में आपको दिखने लगेगा कि देखिए कितना अच्छा कलर भी आता जा रहा है ना साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आप देखिए ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें एक ही बारी में आप शुरू हुए चिकन बनाना और आपका एकदम से बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया और 5-7 मिनट हो गए इसको। तो अब मैं इसमें 1/2 लीटर पानी मिला दूंगी, क्योंकि ना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा रस्से वाला चाहिए और ना ही सूखा बनाना है, तो मैं इसमें 1/2 लीटर मिलाऊँगी। और कोई अगर आप लोगों का हिसाब है किस हिसाब से बनाना, ज़्यादा अगर पानी चाहिए तो आप ज़्यादा 3 मतलब 1/4 लीटर या 1 लीटर पानी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने 1/2 लीटर ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा मिक्स टाइप का चाहिए इसकी ग्रेवी, तो मैंने 1/2 लीटर डाला है। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना, बहुत टेस्टी बनने वाला है ये, इसका कलर ही बता रहा है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी आप सोच रहे होंगे ना कि एक पेस्ट बनाया था मसाले का, खड़े मसालों का, वो नहीं डाला, वो अभी नहीं डलेगा। अब मैं कुकर बंद करके इसमें 3 सीटियाँ लूँगी। मुर्गा जो है वो ये जल्दी बन जाता है, तो चिकन में ज़्यादा सीटियाँ नहीं लेते, नहीं तो ये सारा बिखर जाता है टूटकर। तो इसमें सिर्फ 3 तक सीटी बहुत है, मैंने 3 सीटी ली है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में, और इसकी खुशबू तो समझ लीजिए पूरे घर में फैल चुकी है, ये मेरे किचन को क्रॉस करके पूरे घर तक चली गई है, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अब देखिए जो वो मैंने खड़े मसालों का पेस्ट बनाया था ना, अब मैं इसमें मिला दूँगी। यही तरीका होता है, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को टेस्टी बनाने का। अब मैं धनिए से इसको गार्निश कर दूँगी, जो कि हमें करना होता है लास्ट में, धनिए की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसलिए हमें मिलाना ज़रूरी होता है। तो अब धनिया मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, धनिए और अपना पेस्ट जो था इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो खुशबू है वो दूर दूर तक जा रही है और इतनी अच्छी आ गई है ना खुशबू, और इसका टेस्ट आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना अच्छा हो गया है। एक बार आप ऐसे बनाइए ना तो पूरा घर मांगेगा। तो अब इसको रोटी से खाइए, नान से खाइए या चावल, जिससे मर्जी है खाइए और इसका आनंद लीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय।